यस स्टार्ट 100 शब्द प्रति मिनट गति, दलीलें खत्म, अब उम्मीदें बांधने का समय है, डेढ़ सदी से भी ज़्यादा पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अंतिम अदालती फैसले तक पहुंचने का समय अब शायद ज़्यादा दूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और इसके साथ ही यह उम्मीद भी बन गई है कि एक महीने के भीतर ही अदालत का फैसला हमारे सामने होगा। इस उम्मीद का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक महीने बाद ही इस संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर हो जाएंगे। माना यही जा रहा है कि वह अपनी इस पारी का समापन देश के न्यायिक इतिहास के सबसे बड़े मुकदमे के साथ करेंगे। फैसला क्या होगा यह इंतजार तो सभी को है, क्योंकि मामला अपने आप में काफ़ी उलझा हुआ है। एक तरह से देखें तो यह सिर्फ एक जमीन की मिल्कियत का विवाद है, वक्फ बोर्ड की जमीन है जहां कभी बाबरी मस्जिद की इमारत खड़ी थी। इस ढांचे को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार सेवकों ने गिरा दिया था। वही एक अस्थाई टेंट में राम लल्ला की मूर्ति है जो इस मामले में एक पार्टी भी है। फिर यह मामला एक समुदाय की आस्था से जुड़ा है तो दूसरे की आशंकाओं से। इसके साथ ही अदालत के सामने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला है जिसे प्रबंधन की भाषा में आउट ऑफ बॉक्स कहा जा सकता है। इसमें उच्च न्यायालय ने विवादित जमीन का विभाजन करके सभी पक्षों के लिए प्रावधान किया था। हालांकि इस फैसले से कोई भी पक्ष खुश नहीं हुआ, लेकिन कोई पूरी तरह नाराज भी नहीं हुआ था। लेकिन कानूनी पेचीदगियों से ज़्यादा जटिल इस मामले की संवेदनशीलता है। कोई भी फैसला देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के मनोविज्ञान पर असर डाल सकता है। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से इस जोखिम को समझा और फूक फूक कर कदम रखा। इस मामले में संबंधित पक्षों के बीच समझौता कराने की न जाने कितनी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन वे नाकाम ही रहीं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत यह मानकर कि एक और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, इसके लिए मध्यस्थ पैनल भी नियुक्त किया। मध्यस्थ पैनल जब किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहा तभी अदालत ने हर रोज की सुनवाई शुरू की। लगातार 39 कार्य दिवसों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद बुधवार को आखिरी दिन अदालत में जो नाटकीयता दिखी वह दरअसल दबाव के चरम पर पहुंच जाने का संकेत भी थी। किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद यही की जाती है कि सभी पक्ष फैसले को सिर माथे पर लेंगे। यही संभवतः इस मामले में भी होगा, लेकिन चुनौती इससे आगे कहीं है। यह मामला जन समुदायों की मानसिकता से जुड़ गया है और इसीलिए संवेदनशील भी है। संबंधित पक्षों व उनसे जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के लिए सिर्फ फैसले को सिर माथे लेना पर्याप्त नहीं होगा। जरूरी यह है कि जीत का ऐसा जश्न न हो जो किसी को चिढ़ाता हुआ लगे और हार का ऐसा मातम न हो किसी तनाव का कारण बन जाए। एक महीने के भीतर ही जब अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा
तो यह हमारे राजनीतिक नेतृत्व व सामाजिक सद्भाव के लिए परीक्षा का क्षण होगा।